आपको उसके अल्फाज मायने और उसके जुमले बनाने सिखाए गए थे। आज इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें आपको उसके सवाल जवाब उसके हवाले से पूछे जा रहे हैं। नीलू का तोता जता मिट्टू जता वो कौन था और कैसा था, क्या उसकी खूबियाँ थी। तो असल में वो एक नीलू एक छोटी सी बच्ची का नाम है जिसने एक तोता पाला हुआ था। अब वो तोता उसके लिए बहुत प्यारा था, उसकी बहुत देखभाल करते, उसे खाना पीना हर चीज वक्त पे देते। अब क्योंकि उसका पेट था, पेट एनिमल था, इसलिए उसकी बहुत देखभाल करती। अब उसी हवाले से कुछ पैसे आपसे पूछे गए कि जब आप उसकी रीडिंग की है क्या क्या चीजें आपने इसमें प्रिंट की है। अब पहले प्रश्न उसका यह है कि तोते के पंख और चोंच कैसी थी। अब बेटे कल आपको मैंने पंख के बारे में बताया था, पंख किसे कहते हैं, वो तोते के पर को पंख कहते हैं और उसकी चोंच उसका मुंह दजा चीज खाता भी उसकी। अब क्वेश्चन यह है कि तोते के पंख और चोंच कैसे, आपने भी तोता देखा भी था कि हमेशा उसकी चोंच रेड कलर की होती है, लाल कलर की रंग की होती है और उसके पंख जो होते हैं वो सबज होते हैं। तोते के पंख हरे और चोंच लाल थी, सब तोता कैसे होता है। उसके बाद दूसरे प्रश्न है कि हर कोई तोते को क्या कहता था। तो अब हर कोई तोते को क्या कहता है, जो भी उसे देखता है तो हमेशा वो खामोश बैठा रहता है, वो कोई बात ना करता, वो किसी को सुनता ना। तो इसलिए हर कोई जब भी उसके पास को जाता तो उसे बुद्धू कहता था। तो ये कुछ नहीं जानता, इसे कुछ मालूम नहीं होता है। अब तीसरा सवाल तो ये है कि तोते को किसने पाला था। अब क्योंकि तोते को छोटी सी बच्ची ने पाला था और उस बच्ची का नाम था नीलू, कि तोते को नीलू ने पाला था। इनके छोटा सा बच्चा उसने वो लिया, उसको पिंजरे में बंद किया, उसे डेली खाना पीना देते थे, यहाँ तक वो बड़ा हो गया, फिर वो बातें करना शुरू हो गया। अब बातें करने जब वो करता, लेकिन वो नीलू से बातें करता था, वो किसी और से नहीं करता था, इसलिए उसे वो बुद्धू कहा करते थे। बेटा ये थी आज इसके एक्सरसाइज, सिर्फ सवाल जवाब थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नई वीडियो में एक और नई चीज आपको सिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।